लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। एरोली के पूर्व विधायक संदीप नाइक ने आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और निवेदन देकर नवी मुंबई मनपा का चुनाव धांधली मुक्त और पारदर्शी तरीके से कराने की अपील की। पूर्व विधायक का आरोप है कि नवी मुंबई के वार्ड रचना में धांधली हो रही है। जिस एरोली क्षेत्र में आबादी 20% है वहां 5 नए वार्ड बनाए गए हैं, जबकि 80% जनसंख्या वाले बेलापुर क्षेत्र में सिर्फ 5 वार्ड सृजित किए गए हैं। संदीप नाइक ने कहा कि यह सत्तारूढ़ सरकार के नेताओं का खेल है जो चुनाव फायदे के लिए खेला जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई मनपा चुनाव आने को है, लेकिन उससे पहले ही नए वार्डों की संरचना को लेकर सत्तारूढ़ शिवसेना और बीजेपी में राजनीतिक भिड़ंत शुरू हो गई है। अरवली के पूर्व विधायक संदीप नाइक ने आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को निवेदन देकर खुला आरोप लगाया कि नवी मुंबई मनपा की वार्ड रचना में बड़ी धांधली हो रही है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस अरवली क्षेत्र की आबादी सिर्फ 20% है वहाँ 5 नए वार्ड बनाए गए हैं, जबकि 80% जनसंख्या वाले बेलापुर क्षेत्र में सिर्फ 5 वार्ड सृजित किए गए हैं, जो इस धांधली का संकेत देते हैं। संदीप नाइक ने कहा कि यह सब चुनाव को अपने फेवर में करने के लिए सत्तारूढ़ सरकार के नेताओं का बड़ा खेल है जो रुकना चाहिए। बताना जरूरी है कि अब तक नवी मुंबई में पूर्व मंत्री गणेश नाइक की सत्ता रही है, जिसे सत्तारूढ़ शिवसेना हथियाने के जुगाड़ में लगी है। नवी मुंबई में पैनल पद्धति से चुनाव, 11 नए वार्डों की वृद्धि और उनके लिए नए सिरे से रिजर्वेशन जैसी घोषणाएं इन रणनीतियों का सबूत देती हैं। बीजेपी युवा नेता संदीप नाइक ने इन्हीं की तरफ इशारा करते हुए राज्यपाल को शिकायत दी। निवेदन के मुताबिक नवी मुंबई में कुल 9 नोड हैं, जिनमें से सिर्फ 1 नोड यानी अरवली में 60% वार्ड बनाए गए, जबकि बाकी 8 नोड में सिर्फ 40% वार्डों की वृद्धि की गई। संदीप नाइक ने खुला आरोप लगाया कि यह सब चुनावी नतीजों को मनमाफिक बनाने की साजिश है। उन्होंने नवी मुंबई में पारदर्शी और धांधली मुक्त चुनाव के लिए राज्यपाल से हस्तक्षेप की भी अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।